लखनऊ में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बीच शुक्रवार को सुबह 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सभी मृतक और घायल झांसी जिले के पचवाड़ा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण राजधानी लखनऊ की धरोहर कही जाने वाली दिलकुशा गार्डन की जर्जर दीवार शुक्रवार सुबह गिर गई। दरअसल दिलकुशा की जर्जर दीवारों की मरम्मत का कार्य कुछ दिनों से चल रहा था, जिस कारण जो मजदूर दिलकुशा की मरम्मत कर रहे थे वह सभी मजदूर दिलकुशा गार्डन में ही सो रहे थे, जहां सो रहे 11 मजदूरों पर अचानक दीवार गिर गई। इस पूरी घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 2 मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं हादसे को संज्ञान में लेते हुए सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रूपये की राहत राशि देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घायलों को मुफ्त इलाज का निर्देश भी सीएम योगी ने दिया है। हेलो।